वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी ये इसका जो होता है इंजन स्विच चालू, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी देखिए चाबी बंद है, अभी इसको मैंने ऑन किया हूँ। ऑन करने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए हॉर्न नहीं बज रहा है, इंडिकेटर नहीं चालू हो रहा है, सिर्फ नहीं चालू हो रहा है, गाड़ी किक से स्टार्ट हो रही है, सिर से नहीं चालू हो रहा है, ना हॉर्न बज रहा है। जैसे खड़ी गाड़ी में जब स्टार्ट करोगे तो हॉर्न बजना चालू हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम आपके पास आया तो आप लोग क्या क्या चीज़ इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी से प्रॉब्लम को पकड़ सकते हो पूरा। अगर आपकी जो होता है बैटरी का जो कनेक्शन होता है पूरे से डेड हो जाता है, जैसे बंद हो जाता है पूरा, तो आपको सबसे पहले तो कोई भी मैकेनिक क्या चेक करता है, पहले फ्यूज चेक करता है। अभी फ्यूज देखिए मैं डायरेक्ट किया हूँ, अब बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी डाउन नहीं है। और इसके बाद में क्या चीज़ चेक चेक करना चाहिए, ये जो इग्निशन स्विच होता है जो, तो इसको डायरेक्ट किया जाता है, इसको डायरेक्ट करके फिर आपको, अभी आपने डायरेक्ट कर लिया तभी भी करंट नहीं आ रहा है, आपने यहाँ से ये भी डायरेक्ट कर दिया तभी भी जैसे बोल लो लाइट नहीं आ रहा ना, आपका इंडिकेटर ऑन कुछ नहीं बज रहा है, सर्विस स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में आपको कहाँ चेक करना है आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी मैकेनिक आगे ही चेक करता है क्योंकि आगे फ्यूज आता है। अभी मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ, ऑपर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट किया हूँ। अब बैटरी का कनेक्शन बराबर लगा हुआ है, लूज नहीं है कहीं से भी। अब आप इसको पीछे जा रहा हूँ दिखाने के लिए आपको, पीछे बैक साइड। अभी मैं आ गया बैक साइड पीछे बाजू, इसका जो बोल्ट होता है मैंने खोल दिया हूँ, ओपन किया हूँ। और इसका जो एक और बोल्ट होता है अभी ये भी मैंने ओपन किया हूँ, देखो निकला हुआ है बोल्ट। अब इसको जो ऊपर है इसको अभी ऊपर कर रहा हूँ इसको मैं, ये देख लीजिए ऊपर हो गया, मैंने लगा दिया हूँ। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए ये जो कनेक्शन होता है सेल्फ स्टार्ट का, ये कनेक्शन अभी यहाँ से निकल चुका हुआ है, तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट न सेल्फ से हो रहा है और आपका हॉर्न और इंडिकेटर नहीं बज रहा है। अभी इसको मैं पहले मैं आपको जॉइंट करके बता दे रहा हूँ, इसमें भी देखो ओपन हुआ है। अब ये देखिए मैं अच्छे से इसको जॉइंट कर दिया हूँ, जॉइंट करने के बाद अब उसको हॉर्न बज रहा है, अब गाड़ी का भी सेल भी चालू हो गया हुआ है। ये देखिए इसका ये गाड़ी में कैसे होता है अर्थिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। और अर्थिंग मतलब कैसे होता है आपको भी बता दे रहा हूँ। इसका देखिए एक हरा कलर का वायर है, हरा कलर का जो वायर होता है डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन डायरेक्ट इधर आया हुआ, कहीं से बॉडी में टच नहीं है। इसके बाद में ये इंजन में जो स्टार्टर होता है जिसको मोटर बोला जाता है उसमें अटैच रहता है, मोटर किसको बोलते हैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ भी देखिए वायर आया हुआ है, तो दूसरा जो इसमें देखो तीन वायर है, एक दो तीन, एक मेन हो गया, एक अर्थिंग हो गया जो बैटरी डायरेक्ट कनेक्शन आया हुआ, एक हो गया, और दूसरा जो होता है तीसरा ये मतलब एक और हरा कलर दिख रहा है, एक कनेक्शन आके आपको कहाँ लगा हुआ है आपको ये जो चेसी होता है, ये देखिए इसमें हरा एक वाइट कलर का वायर है, ये डायरेक्ट इंजन से आके ये जो लीड कोई कॉइल बोला जाता है, कोई बाटला कॉइल बोलते हैं, सबका बोलने का अलग अलग तरीका है। इसमें जो होता है नट बोल्ट जो 10 नंबर का है नट बोल्ट, उसके ऊपर थोड़ा से ये लगा हुआ है, देखिए ये आपको ये देखिए यहाँ बराबर दिख नहीं रहा है, ये देखिए जो 10 नंबर का दिख रहा है बराबर पट्टी बराबर परफेक्ट, ये देखिए जाड़ा वायर यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद में लगने के बाद ये पतला वायर है, पतला वायर जो होता है पूरा वायरिंग के अंदर, ये जो वायर होता है पूरा इसके अंदर कनेक्शन आया हुआ है।
तब जाके गाड़ी आपका सेल्फ स्टार्ट होता है। सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम जैसे हो रहा है, आपकी गाड़ी झटका मार रहा है, आपकी गाड़ी स्टार्टिंग से मतलब इससे भी प्रॉब्लम देता है। कभी अगर लूज रहेगा तो क्या होता है, बंद चालू जब होता है गाड़ी तो कुछ भी कुछ सीढ़ियाँ या कुछ भी सामान उड़ा देता है, तो आप इसको चेक कर लेना चाहिए, ये अर्थिंग प्रॉब्लम है देता है। तो अभी अगर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं रहता किसी को इसे, तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए निकाल के, क्योंकि डायरेक्ट से बैटरी से कनेक्शन आता है। ये वापस मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, अभी देखिए चाबी ऑन करके ये हॉर्न बज रहा है। अभी इसको वापस अगर कनेक्शन निकाल दिया मैंने, ये थोड़ा पुश करना पड़ता है, कभी कभी झटके से निकल जाता है। ये देखिए अभी मैं निकाल दिया हूँ, ये देखो ये निकल गया हुआ है। अब इसका हॉर्न ऑन कुछ नहीं बजेगा ये, तो इसको क्योंकि आपको बता रहा हूँ वापस इसमें रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्योंकि इसको डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन, ये जो है दो वायर देखिए, एक लाल कलर का है दूसरा हरा कलर का है, दोनों वायर बैटरी जो लाल वाला है डायरेक्ट बैटरी से नहीं आया हुआ, डायरेक्ट रिले से आया हुआ है, और जो हरा वाला वायर है वो डायरेक्ट मतलब बैटरी से कनेक्शन इसमें आया हुआ है। तो इसका जो होता है संबंध बैटरी से रहता है, अगर इसको कभी ओपन हो गया है तो आपका गाड़ी समझ लो स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपके पास गाड़ी है आप वो चीज़ ये चीज़ इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको भरोसा होगा कि मैंने आप लोग को गलत बताया हूँ कि सही बताया हूँ। पहले आप इसको ऐसे आप निकाल के ओपन करके आप सेल्फ इस्तेमाल करके देखना, फिर उसके बाद में चाहिए हमारे वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बेल घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास बहुत इजी से पहुँच जाएगा। पहले आप आपके पास घर में गाड़ी है कोई भी होंडा एक्टिवा, तो आप इस्तेमाल करके देख लीजिए कि मैंने आपको रियल बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, पहले आप इस्तेमाल करो इसको।